नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे अष्टक वर्ग की। तो ट्रेडिशनल ज्योतिष में, ट्रेडिशनल भारतीय ज्योतिष के अंदर अष्टक वर्ग भी प्रयोग करने की बात की जाती है। वैसे प्रयोग कोई नहीं करता है, लेकिन ये है क्या इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है इसके लिए। तो प्रेजेंटेशन का फर्स्ट पेज तो ऐसे ही होता है, अष्टक वर्ग कैलकुलेशन प्रेडिक्टिव टेक्निक्स बेस्ड ऑन गोचर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आपने अष्टक वर्ग यूज करना है तो मतलब आप जैसे गोचर यूज कर रहे हैं तो अष्टक वर्ग को गोचर में यूज करना जरूरी है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। अब विद्वान कौन से हैं अब वो उसका पता नहीं है, लेकिन ऐसा आप बोलते हैं। ऐसा इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि गोचर से रिजल्ट आता नहीं। इंडियन जो गोचर है या ट्रांजिट है वो बहुत मेच्योर नहीं है। मेच्योर का मतलब ये है कि उसके अंदर अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई किस तरह से यूज करें। अभी 7.5 को यूज करें, फिर ये बोलते हैं भाई जुपिटर अभी इस राशि में आ गया तो ये रिजल्ट होगा। लेकिन अभी वो मेच्योरिटी का मतलब है कि उसमें प्रेडिक्शन कैसे है, जुपिटर आ गया बाकी भी तो खड़े हैं कहीं ना कहीं, तो फिर अल्टीमेटली इवेंट ऑफ लाइफ कैसे प्रिडिक्ट करें, भाई मैरिज कैसे होगी, प्रॉपर्टी कैसे खरीदेंगे। आदमी मेनली तो ये पूछने आया ना आपके पास क्लाइंट, तो बोला है कि भाई आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे या ये बेटर कुछ करने के लिए, देन यू हैव टू यूज अष्टक। तो ऐसा इसका मानना है कि भी ये यूज करना चाहिए। अब इसको कैसे, ये है क्या पहले समझ लेते हैं। तो पहले तो नाम इसका अष्टक, अष्टक का मतलब 8, वर्ग का मतलब है डिवीजन, तो 8 भाग है। तो इसमें 8 कौन कौन से भाग है ये समझ लेते हैं। एक तो 7 ग्रह हो गए। 7 ग्रह का मतलब हो गया कि इसमें राहु केतु छोड़ दिए, बाकी 9 ग्रह में बाकी ग्रह ले लिए। एक लगन से भी गोचर देखेंगे, 7 ग्रहों से देखेंगे और लगन से देखेंगे। तो ट्रेडिशनल जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष, भारतीय ज्योतिष, उसके अंदर चंद्रमा से देखने का बताते हैं, इसमें सभी से देखने का बताते हैं, नहीं 8 से। फिर क्या है कि एक सब डिवीजन भी है, 8 सब डिवीजन की जाती है हर राशि की। राशि तो आप जानते हैं 30 डिग्री की होती है, तो उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 डिग्री 45 मिनट। तो अष्टक वर्ग के अंदर हर वर्ग जो है वो 3 डिग्री 45 मिनट का है। तो अब ये एक और वर्ग आगे खड़ा हो गया, बाकी जो षोडश वर्ग हैं ये वर्ग भी आगे खड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ना तो है ना। अब इसके आगे चलते हैं कि ये 0 से 35, 345 हो गया, 3 डिग्री 45 मिनट। तो फिर इसका लॉर्ड होता है एक का। तो पहला जो लॉर्ड होगा वो शनि होगा, फिर जुपिटर, मार्स, सन, वीनस, मरकरी, मून, और फिर असेंडेंट या लगन। तो कहने का मतलब है जो भी राशि होगी उसका जो पहला जो 0 से 3 डिग्री, 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट का पहला जो लॉर्ड है वो शनि है, सचर। इसको क्यों दिया है ये कोई नहीं जानता, बट उसमें सिस्टम ये बना लिया, जैसे थ्योरी बना ली कि सबसे स्लो मूविंग शनि है तो पहले उसको ले लो, फिर उससे कम स्लो है वो जुपिटर ले लो, उससे कम स्लो है मंगल ले लो। सन, वीनस, मरकरी नॉर्मली जो एवरेज स्पीड सभी की एक होती है, लेकिन दिया वीनस और मरकरी को बाद में सन से, और मून सबसे तेज है, और असेंडेंट जो आपको पता है तकरीबन 2 घंटे में एक बदलता है, तो ये स्लोएस्ट से फास्टेस्ट हो गया। इसके बाद आते हैं कि इसके अंदर है, अभी ये बात शायद अच्छी तरह समझ नहीं आया, बाद में जब बनाऊंगा समझ में आ जाएगी। शुभ गोचर रेखा है, अशुभ गोचर बिंदु है। मतलब यानी कि क्या मतलब है कि किसी ग्रह का जब गोचर देखेंगे तो एक कुछ घरों के अंदर वो जो है शुभ गोचर है, किसी में अशुभ है। तो जिसमें शुभ है उसमें जो है रेखा आंटी कहते हैं, और जो बुरा है उसमें बिंदु आंटी है। तो आपको पता है बिंदु जो है वो फिल्मों के अंदर जो है वो अच्छे रोल नहीं मिलते थे ना, वो क्या होती है वैम्प, वैम्प कहते हैं। और वो रेखा जो है हीरोइन है, और साउथ इंडियन में उल्टा होता है, उसमें बिंदु अच्छी होती है रेखा बुरी होती है, ऐसा कहते हैं। रेखा की जगह बिंदु लगा देते हैं, बिंदु या रेखा साउथ इंडियन सिस्टम है। तो अब ये करते कैसे हैं इसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए ये एक हॉरोस्कोप है, ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या आपके मोबाइल स्क्रीन पे, ये ले लेते हैं। 8 मार्च 1975, 6:37, प्लेस ऑफ बर्थ यूनाइटेड किंगडम, लंदन। तो ये एक्वेरियस असेंडेंट है, ये हॉरोस्कोप है, लगन चार्ट है। तो इसको अब मैं बनाते हैं कि भी रेखा कहाँ आएंगी, बिंदु क्या आएंगे, फिर उसके बाद
जो गोचर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो मैं बताने का आपको कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये मैंने बनाया चार्ट जो अष्टावक्र का बनेगा, उसमें ये जो लगन चार्ट है आदमी का 8 मार्च 1975, टाइम 6:35 सुबह लंदन का, तो ये एक्वेरियस असेंडेंट का चार्ट है, मतलब कुंभ लगन का, और इसके अंदर विभिन्न ग्रह मैंने ये रख दिए। अभी इसमें कौन सा ग्रह कौन से पर्टिकुलर भाव के अंदर शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, ये अष्टावक्र बताता है, बस ये बताता है शुभ फल या अशुभ फल बताता है, यही है, इस बात को समझ अच्छे। तो एक एक करके ग्रह के शुभ या अशुभ फल आते हैं। तो जैसे ये आपके सामने, जैसे ये लगन चार्ट हो गया, तो ये पहले हम एक ग्रह से देखेंगे, तो 8 मानेंगे इसके अंदर, 7 ग्रह और एक लगन। तो जैसे समझ लो सन से का अष्टावक्र हमने निकालना है, तो सन का अष्टावक्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सन जो है सन से, सन यहाँ है, सन सन से इन भावों में रेखा देगा, और जो भाव इसमें नहीं लिखे हैं उसमें बिंदु देगा या जीरो लगाया जाए। तो बिंदु जो होगी वो आपको याद है हिंदी पिक्चरों में अच्छी बच्ची नहीं थी, तो वहां सूर्य या सन जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा और जहां रेखा है वहां पॉजिटिव देगा। तो कैसे गिनेंगे इसको, जैसे सन जो एक्वेरियस में है तो एक्वेरियस से स्टार्ट करेंगे, टेबल ऐसे बनेगी, एक्वेरियस से स्टार्ट करेंगे। तो सन जो है वो एक्वेरियस में 1, ठीक है, फिर उसके बाद 2, 2 में मतलब सेकंड में, सेकंड पाइसिस ही होगा अभी, तो 1 2 में रेखा, फिर 4 में रेखा, फिर उसके बाद 7 में रेखा, 8 में रेखा, 9 में रेखा, 10 में रेखा, 11 में रेखा, और ये जो इसका अपना जो ये 12th है वो कैप्रिकॉन हो गया ऑब्वियसली, तो उसमें रेखा नहीं बिंदु आएगी। अब ये ऊपर से देख लेंगे तो और थोड़ा सा आसान रहेगा, सन सैटर्न से लेंगे तो सैटर्न ये रहा 1 2 4 7 8 9 10। अब सैटर्न बैठा कहाँ, वो जेमिनी में बैठा, तो जेमिनी से शुरू करेंगे, तो वही है 1 2 4 7 8 9 10 11, शनि जहां बैठा तो जेमिनी में बैठा, तो जेमिनी से शुरू करेंगे 1 2 4 7 8 9 10 11। इस तरह से जुपिटर, जुपिटर जो है 5 6 9 11, जुपिटर बैठा कहाँ है, ये गुरु पाइसिस में, तो पाइसिस या मीन से शुरू करेंगे, ठीक है ना, जुपिटर का ये रहा, तो 5 6 9 11, तो 1 2 3 4 यहाँ बिंदु होगी, 5 और 6 रेखा होगी, 9 रेखा होगी, 11 जो है रेखा होगी, तो इस तरीके से रेखा और बिंदु आएगी। अब रेखा बिंदु आ गई है, ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट नंबरों के फिर हम टोटल लीजिए लिख देंगे कि भाई जो एक्वेरियस है उसमें 4 रेखाएं आई, पाइसिस में 4 आई, एरीज में 3 आई, ऐसे गिन नहीं ना, जैसे ये जैसे यहाँ 3 लिखा, 3 क्यों लिखा, 1 2 और 3, ठीक है। तो नॉर्मली ट्रेडिशनली आप देखोगे जो नॉर्मली लोग बताते हैं कि भाई 4 से ऊपर है अगर रेखा तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है उस पर्टिकुलर हाउस या साइन के अंदर। जैसे ये 4 हो गया एक्वेरियस में 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया एक्वेरियस में 4, ठीक है, पाइसिस में 4, यहाँ लिख दिया पाइसिस में 4, एरीज में लिख दिया 3, ठीक है, फिर टॉरस में लिख दिया 3, ऐसे होकर तो जैसे 5 या उससे ऊपर अगर है तो जो सन जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा, ऐसा माना जाता है। बट इट इज नॉट सो, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे, कि जैसे ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो सब डिवीजन है वो 0 से 345 है, सेकंड सब डिवीजन है वो 345 से, वो उससे प्लस कर लेंगे 730 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सन जो है शनि के जो, क्योंकि हमने सन लिया है, सन जो है एक्वेरियस में जो है शनि के उसके सब डिवीजन में 1 मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है, 0 से 345 देगा, बाकियों में नहीं देखा, तो वो सब डिवीजन में देखा है ना, एक्वेरियस है, तो एक्वेरियस के 8 वर्ग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8। तो एक्वेरियस के स्टार्टिंग में ये सहचर है, तो
तो यहां वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है, और आगे वो फिर जो जुपिटर है, तो जुपिटर में जीरो है तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, इस तरह से एग्जैक्टली वैसे। तो इसका मतलब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है। तो अभी तो हम सन की बात कर रहे हैं, फिर यही जो टेबल मून की बनेगी सेम है, सन की नहीं, ऐसी टेबल मून की बनेगी, मार्स की बनेगी, राहु की, सॉरी राहु तो होता नहीं, जुपिटर की बनेगी, शनि की बनेगी, ऐसी भी बनेगी, ये भी बनेगी। तो उसको अब कंप्यूटर में कैसे दिखेगा, क्योंकि इतना आप लोग बनाओगे नहीं और बनाना इतना आसान है भी नहीं, और बना के करना भी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजें सब जो है आप सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ आ जाते हैं हम, ये हॉरोस्कोप हो गया, ठीक है, जो 8 मार्च 1975 6:37 का, और ये उसका अष्टक वर्ग हो गया। तो जो सॉफ्टवेयर ने बताया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या बता रहा है, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये जो है 3 3 3 4 4 5 4 6 4 4 4 4 टोटल इज 48। तो मैंने ये वाली टेबल बनाई है अभी तक बस, सिर्फ समझ रहे, एरीज 3 टॉरस 3, आप ये देख सकते हैं, एरीज 3 टॉरस 3 जेमिनी 3 कैंसर 4 लियो 4 फिर ये 5 4 6 4 4 फिर पाइसिस एंड एक्वेरियस बोथ आर 4 4 एंड टोटल इज 48, टोटल 48 है। तो ये टोटल 48 हो गया। तो ये सन का है, अभी ये सन का है, ये जो स्क्रीन, एक स्क्रीन में इतना सब समान आएगा नहीं, इसलिए जो सॉफ्टवेयर वालों ने भी अभी ये सन का ये टोटल बना दिया। तो इस तरह से ये सबका बन जाएगा, सन का भी बनेगा, मून का बनेगा, मार्स मरकरी जुपिटर है ना, बाकी सबका बन जाएगा। तो टोटल मिला के 386 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक। तो मैंने ये जो टेबल बनाई, ये जो बनाया 4 4 3, ये सन का बनाया, फिर इसका टोटल जो है सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं इसको, ये टोटल बन जाएगा। टोटल कितने पॉइंट आए एक्वेरियस में सभी ग्रहों को मिला के, अभी तो ये सिर्फ सन के हैं ऊपर, तो बाकी जो 7 हो गए, 6 प्लैनेट और 1 असेंडेंट के, उतने उसके मिला के ये 29 या 32 फिर 32 26। सो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, आप समझ गए होंगे, ये भी कैलकुलेटिव पार्ट है। और प्रेडिक्टिव पार्ट मैंने आपको बता दिया कि हर प्लेनेट का देखना है कौन सी डिवीजन में बैठा है, वहां से प्रेडिक्शन करेंगे। तो वहां से प्रेडिक्शन करेंगे तो सन की शुभ देगा या अशुभ देगा, जिस भी डिग्री में बैठा है, जब वो गोचर में आया तो 3 डिग्री 45 मिनट मतलब तकरीबन 4 दिन चलेगा, फिर दूसरे में चला जाएगा, अशुभ फल होगा। फिर आपको उधर से मून को भी देखना है, वो शुभ अशुभ दे रहा है, फिर वो जुपिटर को भी देख रहा है, फिर शनि को भी देख रहा है, फिर अल्टीमेटली शुभ हुआ या अशुभ हुआ, किसका शुभ है किसका अशुभ है, भी 9 प्लैनेट हो गए, 2 तो हमने यूज किए नहीं। और फिर इसके बाद कई कहते हैं असेंडेंट यूज मत करो, जैसे इसमें असेंडेंट का सम दिया, एक बिना असेंडेंट का सम दिया 337। तो कई विद्वान है, विद्वान कहां से आते हैं ये किसको पता नहीं है वैसे, लेकिन ये भी है कि भी वो असेंडेंट यूज करना है। फिर ये अष्टक वर्ग नहीं रहा, फिर 7 इसमें यूज हो गए, चलो कोई बात नहीं। लेकिन कहने का मतलब है शुभ या अशुभ का मामला है। अब शुभ अशुभ से अब फैक्चुअली बात कर लेते हैं, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट मैंने बता दिया। शुभ अशुभ से हमारा पेट भरता नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट आता है उसके अगर सीधे सीधे भी क्वेश्चन है, वो सीधे ये क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे को कनाडा का वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी प्रमोशन होगी नहीं होगी, मैं जो है अभी ये केस जो डला मतलब वो विन करूंगा नहीं करूंगा, मेरी बेल होगी नहीं होगी, स्पेसिफिक क्वेश्चन। शुभ अशुभ से मतलब कोई नहीं है कि दो शुभ हैं दो अशुभ हैं दो कुछ कुछ शुभ अशुभ हैं, तो ये बात बनती नहीं। इसलिए जो अष्टक वर्ग जो है वो कभी जो इंडियन जोशी है वेस्टर्न यूज करते नहीं, वो कभी यूज कर नहीं पाए, उनके बस का रहा नहीं कभी, उसके रीजन भी मैंने नीचे लिखे हैं। हालांकि ये पहली वीडियो है, बाद में मैं और इसमें वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें सर्वष्टक वर्ग फिर वो इसके फर्दर और चीजें हैं, उसको शोधन किया जाता है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसमें बाद में जब वीडियो बनेगी तो बात कर लेंगे। तो अष्टक वर्ग में प्रॉब्लम यही आ गई, पहली प्रॉब्लम यह है जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हैं कि ट्रेडिशनल गोचर को रिजेक्ट कर दिया, तुम अभी काम करते ही नहीं बिना अष्टक वर्ग के, फिर अभी तक हम कर क्या रहे थे। फिर जो जोशी है जो बेचारा पढ़ रहा है अभी स्टूडेंट है, वो बेचारा बोलता है मैं क्या करूं,
लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह आपके पास है, सॉफ्टवेयर है, तो ये बना सकते हो स्टॉपर, नहीं तो बनाना पॉसिबल है ऐसा लगता नहीं। तो ये भी मैंने लिखा, लुकिंग इनटू द कैलकुलेशन वी कैन से नो वन वुड हैव यूज्ड स्टॉपर बिफोर कंप्यूटर एज, और कंप्यूटर के एज में करने के बाद भी इट्स नॉट दैट इजी टू वर्क ऑन स्टॉपर। अब कंसिडरिंग ओनली अशुभ एंड शुभ, ये भी इम्प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल बेकार की बात है, ठीक है ना, क्यों तो बेकार की बात है, कोई तो बड़ी वो सही बात है कि भाई क्वेश्चन तो शुभ शुभ के है ही नहीं, क्वेश्चन तो स्पेसिफिक है। फिर उसके बाद एक नया वर्ग आ गया, पहले बता रहे षोडश वर्ग भी है, नवांश योनि में आता है, लेकिन अभी नया वर्ग आ गया। अब क्या है कि गोचर अष्टवर्ग में मंगल का भी जो है माना जाएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो कर्क लगन के लिए क्यों माना जाएगा भाई, अशुभ या बिंदु क्यों देगा, रेखा ही रेखा देनी चाहिए उसको, योग कारक। इसलिए इसी तरह से एरीज असेंडेंट में सन जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, ट्राइनल लॉर्ड है सिर्फ, तो वो क्यों अशुभ फल देगा, समझ से बात। ट्रेडिशनल गोचर को चंद्रमा से देख, इधर गोचर इंडिविजुअल प्लैनेट से घुमा घुमा के देख, फिर यहाँ राहु केतु यूज नहीं हुआ, राहु केतु यूज नहीं हुए तो फिर आप दो प्लैनेट मिस कर गए, 20% से ज्यादा तो आप कहते हम गोचर को यूज नहीं करना चाहते। इसलिए अष्टक बार जो है ये मतलब कुल मिला के मामला जो है वो बस प्रैक्टिकली जो समझ से बाहर आया कि कैसे यूज करेंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट करूंगा जरूर कि भाई इसको फर्दर इसकी कैलकुलेशन क्या है, इसके पीछे सोच क्या है। अब ये बात हो जाती है कि भाई ये बनाया है तो किसी ने तो मतलब सोच समझ के बनाया होगा, किसी पूर्वज ने बनाया है, ऋषि मुनि ने बनाया है, तो जी उमंग जी आप ऐसी बातें करते हो भाई काम नहीं। अरे भाई जो आदमी कोई काम करता है तो उसमें कई बार ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करता है, कई बार कोई थ्योरी यूज करता है, और जरूरी नहीं है कि थ्योरी यूज करता है तो वो काम करेगी, तो फिर वो रिजेक्ट कर देता है, आगे चल देता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया तो उसने कई एलिमेंट्स यूज किए, जब वो 28 एलिमेंट यूज कर चुका था थक गया, बोलता है यार बस कोई और काम कर लेते, तो उसका डिप्टी जो है वो और डिप्रेस हो गया, बोलता सर 28 यूज कर लिए और कुछ निकला नहीं, तो बोलता नहीं 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 हम ये मत समझे अनसक्सेसफुल हो गए, हम सक्सेसफुल हो गए ये पता करने के लिए कि ये 28 एलिमेंट काम नहीं करते, अब जो नया है आगे चलेंगे नया यूज करने की कोशिश करेंगे, ये तो पता चल गया ना, तो हमें पता चल गया भी अष्टक बार काम नहीं करता तो आगे चले। लेकिन यह आएगी वो भारतीय ज्योतिष के लोग तो पता ही आपको, जो पंडित शंडित टाइप का टिक्का विक्का वो चंदन वंदन उद्राज दोष, उनको इसी में चिपके रहना, उनको उसे शुभ शुभ में ही अच्छा फील होता है। तो आशा आप समझ गए होंगे अभी अष्टक वर्ग क्या है काफी हद तक, तो बाकी इसके बाद भी मैं वीडियो इसकी फर्दर बनाऊंगा कि इसके बाद प्रष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग बना के फिर इसके शोधन वगैरह जो होता है वो कैसे किया जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।